गाइस फाइनली मैं दलाई हिल्स पहुंच गई हूँ। देखो एक मिनट, ये रहा दलाई हिल्स। लुक एट द व्यू गाइस। आज मेरा ये आउटफिट होगा और मैंने ये न्यू ट्राई किया है कि ट्रैक पैंट्स विद दिस एंड आफ्टर दिस। सो आई होप कि मैं कैसे लगती हूँ, लेट्स सी दिस कॉम्बिनेशन। माई होल आउटफिट, आई डोंट नो ये कैसा लग रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आई यूज दिस कॉम्बिनेशन। एंड और वैसे भी फैशन इज ऑल अबाउट टू क्रिएटिंग योर सेल्फ, किसी का कॉपी क्या करना है ना। और गाइज इसकी मैं आपको एक बात बताऊंगी जो आपको आने वाले हॉल में पता चलेगा, इसका एंड इसका, जो आप बहुत शॉक्ड हो जाओगे। तो आने वाले ब्लॉग में आप ज़रूर देखोगे। तो मिलते हैं फिर, चलो। सो गाइज मैं बहुत अच्छे से यू नो रेडी हो चुकी हूँ विद माई दिस हेयर स्टाइल, विद माई रेगुलर हेयर स्टाइल। एंड बताना मैं कैसे लग रही हूँ, बस लिपस्टिक एंड आईलाइनर इज माई जिंदाबाद। और मैंने आईलाइनर लगाना सीख लिया, यू कैन देख सकते हो आप कितने अच्छे से आईलाइनर लगाया है मैंने। सो अब मैं जाती हूँ दलाई हिल्स। सो देखते हैं, मिलते हैं रास्ते में। सो मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ, अभी हो रहा है 9:15 और मैं यहाँ से लगभग 9:30 तक निकल जाऊँगी। और फिर हाँ, मैं कितने बजे तक पहुँचती हूँ, ट्रैकिंग क्या है, ये सारा डिटेल्स मैं आपको अच्छे तरीके से दूंगी कि नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग जाने का प्लान बना रहे हो तो आप लोग गूगल मैप नहीं मेरा यूज़ करा हुआ एक मैप यूज़ करो। सो गाइज आप लोगों को मैं रास्ते में मिलती हूँ। ओके बाय बाय गाइज। यहाँ से जो रास्ता है वो बहुत ही ईजी था, आपको पैसिफिक मॉल वाला रास्ता लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और वहाँ से आपको एक धनौल्टी का रास्ता भी मिलेगा और एक जॉर्ज एवरेस्ट वाला रास्ता भी मिलेगा जहाँ पर हाथी पाँव लिखा होगा। आप चाहो तो जॉर्ज एवरेस्ट से जा सकते हो, नहीं तो आप उस तरफ से भी जा सकते हो। और ये आप देख सकते हो कि लाइब्रेरी स्टेशन करके समथिंग एक जगह है, आपको इसके अंदर घुसना है और घुसने के बाद एक चौक दिखेगा, वहीं से आप पूछ लेना दलाई हिल्स कहाँ पर है, जैसे मैंने पूछा। जब हम लोग दलाई हिल्स पहुँचने वाले हैं, अभी हम लाइब्रेरी इधर है, पढ़ना भी नहीं आ रहा मुझे तो, और बहुत ट्रैफिक है और हमें बहुत ऊपर जाना है प्लीज तक। अगर आपको पता है कि मॉल रोड कहाँ है तो आपको वहीं पहुँचना है एग्जैक्ट। और हम ये जितना भी आपको व्यू दिख रहा है ये लबासना का मेन गेट है। वाव, इसको देखने के बाद जो फीलिंग आ गई ना तो पूछो मत। इसी लबासना के नीचे एक गली जा रही है, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। और देखो हम दलाई हिल्स के जो गेट है वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेजेडी है। पहले तो व्यू देख लो यार। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि आप लोगों को यहाँ पर अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करनी है। फिर आप देख सकते हो कि मैं कैसे कैसे जा रही हूँ, मालूम है। आप व्यू देखो, ये गली दिख रही है, आपको इस गली से जाना है। और अगर आप चलने में एक्सपर्ट हो तो ठीक है, लेकिन जो ये है ना रास्ता, ओ माय गॉड इतना चलना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा ये सीढ़ियाँ देख लो आप, कितनी सीढ़ियाँ होगी, मेरे हिसाब से तो 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ होगी, मेरे हिसाब से तो कम भी हो सकती है, मैंने गिनी नहीं, बट आई डोंट नो यार। पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। जब आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आप ये व्यू देखोगे, वहाँ पर एक तरफ से कह सकते हो कि ये सिंबल है दलाई हिल्स का, वहाँ पर ऐसा है। फिर उसके बाद वहाँ पर सीढ़ियाँ है, उसको भी जाना है आपको। और मतलब ये है कि आप दलाई हिल्स के जो मेन है वहाँ से आप सीढ़ियों से होते हुए अगर आप चलने में एक्सपर्ट हो तो 10 मिनट से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही मान लो पहुँच जाओगे। अगर आप मेरी तरह ही हो तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तो लग ही जाएंगे कि वहाँ से कैसे आप ऊपर तक जा सकते हो। बट लेकिन ऊपर जाने में भी व्यू बहुत बहुत प्यारा है। देखो मैं कितनी सीढ़ियाँ चल रही हूँ। लबासना का ग्राउंड है और ये सारा लबासना है। हम रास्ते में ये और दलाइस पता नहीं किधर है, अभी कुछ नहीं दिख रहा, बस अब व्यू देखो फिलहाल।
आधे से ज्यादा लोग तो वैसे ही वापिस आ गए। गाइस आप बस इसी स्टेयर्स को जहाँ से आप ये तिब्बतन का फ्लैग देख रहे हो, ये जगह बहुत बहुत प्यारा है। आई थिंक ये एरिया कंस्ट्रक्ट हो रहा है तभी ये थोड़ा अजीब अजीब लग रहा है, अदरवाइज़ ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है फॉर पिकनिक। आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो और स्पेशली अगर आप कपल्स आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। ये एरिया मुझे बहुत बहुत पसंद है लेकिन फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आ पाई क्योंकि ये यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। और ये देखिए जिस तरीके से मतलब रास्ता ख़त्म होता है, आप देख सकते हो कि ये रास्ता कहाँ तक जा रहा है और हम कहाँ से आए, और हम दलाई हिल्स के पहुँच चुके हैं। ये दलाई हिल्स पहुँचने के बाद आपको यही एरिया, सिर्फ यही एरिया दिखेगा और साथ में आसपास माउंटेन वाला व्यू दिखेगा विच इज़ वेरी वेरी बहुत बहुत प्यारा है, और फ्लैग्स दिखेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा सीरियसली। बस गौतम बुद्ध की प्रतिमा है वहाँ पर, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर इसलिए लगाई गई क्यों माना जाता है कि जो दलाई लामा है वो यहाँ पर बैठ के उन्होंने ध्यान किया था, इसलिए यहाँ पर उनके लिए ही ये प्रतिमा लगा दिया गया था, इसलिए ये फेमस है दलाई हिल्स करके। और आप मेरा स्लोमो देखिए, वाओ आई लव दिस स्लोमो। गाइस आप सुन सकते हो ये हवा, इसी हवा के कारण मैंने वहाँ पर वॉइस नहीं दी इसलिए मैं इसे BTS वॉइस दे रही हूँ। आई होप यू इन्जॉय व्यू। देखिए पहली बार हम ऐसे आए कि मतलब हमने ना 10-12 लोगों से पूछा तब जाके हम दलाई हिल्स आए, और सच बताऊँ दलाई हिल्स के गलियों में भी जब हमने लोगों से पूछा था ना दलाई हिल्स का बता दो रास्ता, वहाँ के लोगों को भी दलाई हिल्स नहीं पता था। तो आप सोच सकते हो मैं कैसे हम यहाँ पहुँचेंगे। हम घर से 9:30 बजे निकले थे और हम यहाँ पर 12 बजे पहुँचे, बट व्यूज देखो। और ये है लवासना और ये है गौतम बुद्ध, तो मैं क्लिप्स लगा दूँगी। गाइस अगर आप मसूरी जाते हो तो वहाँ देखोगे लोगों की जो कार पार्किंग होती है वो छत पे होती है, और हमारे यहाँ पर नीचे होती है और ऊपर घर होता है। तो गाइस हम दलाई हिल से वापस पहुँच चुके हैं और अभी हो रहे 2 बजे, और मैं यहाँ पर कुछ अपनी फेवरेट चीज़ खाऊंगी, और आप कमेंट पे बताना मैंने क्या खाया होगा इस बार भी, ऑफकोर्स बता देना आप, ठीक है? वैसे देख लोगे आप। और हमने वैसे मज़े किए, वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं वहाँ पर, कोई मुझे ज़्यादा कोई व्यू पॉइंट नहीं लगा सिवाय दलाई हिल्स के, मतलब जो दलाई हिल्स के जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो स्टैचूज थे उससे ज़्यादा मुझे कुछ लगा नहीं, बाकी कुछ खास नहीं था। बट ये था कि हाँ इन्जॉय, मैंने मज़े किए। लेकिन यहाँ से वहाँ तक जाने में हमने रास्ता इतना पूछा, कम से कम 10-12-20-25 बार लोगों से पूछ लिया होगा, और मतलब वहीं उसी गली में दलाई हिल्स है लेकिन आधे ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि दलाई हिल्स है, और गूगल मैप के सहारे तो कभी जाना मत। पर ये था कि हम लोग कोई गलत रास्ते से नहीं गए थे, इस बार हम लोग अच्छे से गए थे और बहुत सेफ तरीके से गए थे। आई होप आप लोगों को मेरी ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मज़े करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।